ये देखो भाई लोग, ये आज मैं आपको हमारे घर के सामने आंगन में ये तुलसिया लगाई हुई है। इधर तुलसिया लगाई हुई है मैंने, सारी तुलसिया है, बहुत अच्छे नस्ल की है। और पूरे घर के साइड से ये मैंने लगाए हुए तुलसिया। इससे क्या होता है, आपके घर के पूरे इससे मच्छर हो गए ना, ये पानी से, गंदे पानी से तो ये मच्छर नहीं हो गए, और मच्छर हुए तो वो इस वावर में फैलेंगे नहीं, इधर से दूर भागेंगे, दूर भागेंगे और वो इधर नहीं आएंगे, समझो ऐसा। 50% तो भी इसका आपको फर्क है मच्छर के लिए, और आपके घर के पूरे आंगन में 2400 घंटा आपके आंगन में अच्छी हवा फैली आएगी, और वो ऑक्सीजन देती रहेगी आपको 24 घंटा पूरे। मैंने पूरी तरफ लगाया हुआ है, देखो पूरे घर के साइड साइड से। इधर मिट्टी भी अच्छी नहीं है, देखो इधर मिट्टी नहीं है ये इतनी अच्छी, तो भी मैंने इधर एक काली मिट्टी डाली है, काली मिट्टी है देखो, काली मिट्टी डाल के इधर ये तुलसिया लगाए हुए है। तुलसी में ये छोटे छोटे ये मिर्ची का पेड़ है, ये मिर्ची, आम, और इधर इस पेड़ को हमारे इधर हदगा बोलते, हदगे आपके इधर हिंदी में क्या बोलते, क्या है ना इसको, ऐसे फूल होता है इसका, और इस फूल की सब्जी बनाई जाती है, हमारे इधर सब्जी बनाई जाती है हदगी के पेड़ की। और ये है सेवगा, ये सेवगा बोलते हैं इस पेड़ को, देखो इधर एक लगाया हुआ है मैंने, और ये घर के सामने एक है, ये खम्बे के बाजू में, उसकी सेंग होती है ना, वो सेंग सांबर होता है ना, सांबर में यूज की जाती है सांबर। और ये घर के सामने एक भगवान का पेड़ हो, इसलिए ये गणपति को बहुत अच्छा लगता है, इसलिए ये रुई का पेड़ लगाया हुआ है, रुई गणेश जी को बहुत अच्छा लगता है ये पेड़, रुई बोलते हैं इस। और ये बेल का पेड़ है भोलेनाथ के लिए, ये देखो 3 पत्ता होता है इसको, ये दिल भगवान शंकर को भाते हैं, 3 पत्ते वाला ये पेड़, देखो ये 3 पत्ता है ना, तो ऐसे तो उसको निकाल के ये शंकर जी को बहाते हैं। ये घर के सामने एक अच्छा पेड़ हो, इसलिए मैंने ये लगाया हुआ है, ये गणपति जी का, ये रुई का पेड़, और ये भगवान शंकर का, भोलेनाथ। इधर बहुत ऑक्सीजन होता है 2400 घंटों इस तुलसी का पेड़ का, तो आप जरूर इसका आंगन में लगाए। तो मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, राम कृष्ण हरे।